फुटबॉल फैंस, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो मैंने यार थोड़ी सी बच्चौदी है ना फुटबॉल की, वो ये है कि याओ फिलिक्स के बारे में हम बात करेंगे, रोबेटो मार्टिनेज। और लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि मार्कस रैशफोर्ड जो वही एक बंदा है जो लिफ्ट कर रहा है, यानी कि लेके चल रहा है, लीड कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और आज अपनी सिटी भी मैच खेलेगी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, क्वार्टर फाइनल है कारबाओ कप का, और बहुत अच्छे मैचेस हैं। और जॉ फिलिक्स के बारे में पहले बात करते हैं, पहले उसके बारे में बच्चोदी करते हैं कि ये बंदा इतने टाइम बाद क्यों आ रहा है भाई प्रीमियर लीग में। इसको मैं पहले से चाहता था, मैं ये चाहता था कि यार ये बंदा बहुत पहले से ही, एक दो सीज़न पहले ही आ जाता तो अलग ही चीज़ नज़र आती हम लोगों को देखने को। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड में जिस तरीके से जॉ फिलिक्स को खेलना चाहिए वैसे वो शाइन नहीं किया, वो जैसे ग्रू नहीं किया। अभी जैसे कि न्यू एरा चल पड़ा है, तो न्यू एरा में भाई एम्बापे और एलिंग हॉलैंड की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं, बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं, फुटबॉल फैंस की पॉडकास्ट चलती हैं इनके ऊपर। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि याओ फिलिक्स को भी होना चाहिए उस जगह पे। अगर मैं यंग टैलेंट किट की बात करूँ तो भाई याओ फिलिक्स जो है वो है कि उसका भी नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यंग टैलेंटेड की बात करूं तो काय हैवर्ट्स हो गया चेल्सी में, और उसके बाद मैं बात करूं तो यंग टैलेंट की तो फिल फोर्डिन हो गया मैनचेस्टर सिटी का। अब जैसे कि याओ फिलिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ प्लेयर्स हैं, बहुत छोटे छोटे जो है ना यंग्स प्लेयर्स, यंगस्टर जो है ना वो प्रीमियर लीग में अपनी जगह बना रहे हैं। अब याओ फिलिक्स को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अब तक अगर वो होता तो हम यहाँ उसकी डिस्कशन कर रहे होते कि यार प्रीमियर लीग में वो किस तरीके का प्राइम प्लेयर है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से खेलता है। लेकिन खैर लेट हो गया, लेकिन देर नहीं, अभी भी अब वो अपना नाम बना सकता है। अब इसको जैसे पुर्तगीज टीम में उसको टाइम चांस मिलेगा। रोनाल्डो भैया का तो चैप्टर क्लोज होने को है, कुछ कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भाई रोबर्टो मार्टिनेज जो है ना उनका नया कोच बन चुका है बेल्जियम से, वो शिफ्ट कर गए पुर्तगीज। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस ही करना था, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेना था तो किसी और को, किसी और तरफ जाते, किसी और ऑप्शन की तरफ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि रोबर्टो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूँ तो भाई वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन खैर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैनेजर आने वाला है वो क्या करेगा टीम को लेके, क्या करेगा। अगर वो अपनी मिस्टेक्स को वो सही करेगा तो बहुत अच्छा मैनेजर होगा फुटबॉल के लिए, पुर्तगाल टीम के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन याओ फिलिक्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई उसके लास्ट सीजन में बात करूँ तो उसने 14 गेम खेले, 4 गोल किए जिसमें से 3 असिस्ट किए। और उससे पिछला सीज़न की अगर मैं बात करूं तो 2021 और 22 में उसके मतलब 24 गेम्स में 8 गोल थे जिसमें से 4 असिस्ट थे। तो मतलब अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा स्टैट है। अगर यहाँ वो आता है प्रीमियर लीग में, चेल्सी ने जैसे उसको साइन किया है, तो चेल्सी के लिए तो उस बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन चेल्सी का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, जाओ फिलिक्स की जो टाइमिंग है ना वो बहुत गलत टाइमिंग है। हो सकता है इसके आने से कुछ इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि ओबामयांग जो है ना भैया वो इतना ख़ास चल नहीं पा रहा है चेल्सी में। और मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर बात करते हैं, भाई मार्कस रैशफोर्ड जो है ना भैया अच्छा खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ना एक मतलब स्ट्रॉन्ग टीम अब लग रही है कि यार नहीं यार इनसे थोड़ा सा मुकाबला ना कंपिटेटिव हो सकता है, ये लोग थोड़ा सा हरा सकते हैं। अभी जैसे कि क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, अपने लास्ट वाले गेम में 3 गोल किए थे जिसमें से मार्कस रैशफोर्ड ने 2 गोल किए हैं लास्ट गेम में, लास्ट नाइट। तो बहुत अच्छा मैच हुआ है उनका, बहुत अच्छा मैच कह सकता हूँ भाई। वो 21 अटैम्प्ट लिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिसमें से 5 ऑन शॉट टारगेट हैं। एंटनी ने गोल मारा था भैंचोदिक, तो ये एंटनी एक तो बहुत अच्छा प्लेयर उनको मिल चुका है, ब्राजीलियन जो फुल बैक है ना ये ज़बरदस्त मिला है उनको। तो मार्कस रैशफोर्ड के भाई 2 गोल हो चुके हैं लास्ट गेम में भी, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। और अभी क्वार्टर फाइनल में से फी फारिग होती है, तो अभी यहाँ से टीम फारिग होंगी तो भाई क्या पता अभी क्या ड्रॉज हो चुके हैं, क्योंकि सिटी का आज मैच है साउथहैम्पटन के साथ। तो भैया ये कारबाओ कप का मैच जो है ना वो क्लासिकल हो सकता है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हो सके, पॉसिबल हो सके। तो भाई याओ फिलिक्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है भाई, चेल्सी में वो खेलेगा।
जाओ फिलिक्स जो है अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा यंग टैलेंटेड है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, मोरोको वाले गेम में भी उसकी परफॉर्मेंस देखी हम लोगों ने, क्या वो परफॉर्मेंस कर रहा था, क्या उसकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा प्लेयर है और प्रीमियर लीग में आने के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई कॉम्पिटिटिव लीग होती है, बड़ा मज़ा आता है इस जगह पे। तो मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, बस वही यही है कि याओ फिलिक्स जो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। पुर्तगीज टीम का जो सीन है ना, वो पुर्तगाल का जो टीम है उनका जो सीन चल रहा है कि वहाँ पे अब नए लोगों की, यंग ब्लड्स की ज़रूरत है, तो ऐसे लैड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो गेम में फिनिश करवा सकें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो भैया मेरे लिए तो बहुत अच्छी साइनिंग है, बट बहुत लेट हुई है। और चेल्सी की टीम में आया है तो बहुत गलत टाइम पे आया है, क्योंकि चेल्सी को हर कोई जोड़ रहा है इस प्रीमियर लीग में इस सीज़न। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें कुछ सही हो सकती हैं। चेल्सी ने अभी गेम खेलने काफ़ी सारे, ये भी है, चेल्सी ने काफ़ी सारे गेम्स खेलने हैं, अभी इनका सीन चल रहा है, तो बहुत अच्छे मुकाबले हो सकते हैं यूसीएल वगैरह के, जैसे ऐसे होते हैं। तो ये है बच्चोदी आज की फुटबॉल की, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए। तो रोबर्टो मार्टिनेज के बारे में मेरे जो पॉइंट्स हैं भाई, वो यही हैं कि रोबर्टो मार्टिनेज जो है ना, बहुत अच्छा मैनेजर तो ऑन पेपर नहीं है, हो सकता है इनके लिए भी, लेकिन यार रोबर्टो मार्टिनेज की जगह कोई और मैनेजर आता तो अच्छा था, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, वहाँ पे बेल्जियम की परफॉर्मेंस और पुर्तगाल की परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूँ तो तुम लोग समझ सकते हो कि फ्यूचर में किस चीज़ को मिलाने वाला। खैर कोई मसला नहीं है भाई, देखो मैंने किसी का फ्यूचर हाथ में नहीं पड़ा हुआ, मेरे हाथ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपकी टीम को अच्छी कर दे, टीम को लेके चल पड़े, हो सकता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अगर वो अपनी मिस्टेक्स को सही कर ले, तो अपनी गलतियों को सुधार ले, अपनी गलतियों से कुछ सीख ले, तो बहुत अच्छी टीम बना सकता है वो पुर्तगाल की। क्योंकि अभी आगे वर्ल्ड कप, सॉरी यूरो क्वालिफाई मैच भी आने वाले हैं, तो यूरो के लिए भी क्वालिफाई करना है, तो बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, तो बहुत सारे सीन हैं। और अभी तक की न्यूज़ यही है आज की फुटबॉल की बच्चोदी में। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, पेज को भी लाइक कर लो, और फेसबुक पे देखते हो तो फैन के लौड़ो रिएक्ट भी कर लो, ठीक है। तुम लोगों को बोलना पड़ता है, मुझे अपनी गंदी जबान यूज़ करनी पड़ती है, मैं सोचता हूँ कि यार मैं नहीं करूँ, लेकिन तुम भैनचोद यूज़ करवाते हो, क्योंकि तुम लोग कर नहीं रहो, कमेंट्स वगैरह भी कर लेना मुझे, ठीक है भैया। फिर मिलता हूँ, मेरी आज की ये थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी कुछ नए प्लेयर्स को लेके, कुछ रिपोर्ट्स को लेके। मैंने पहले कहा था कि भाई जो जो बंदा नया प्लेयर साइन हो जाएगा अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। तो याओ फिलिक्स के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, चेल्सी आप में, देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।